वेलकम टू द पुमाइज अकेडमी गाइस. आज हम अपना सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? सी एस एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ पार्ट ए का चैप्टर नंबर 1. इसमें 14 चैप्टर्स है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और ये आपके स्क्रीन्स पे है हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट. सिंस मेरे नोट्स हम आपको अवेलेबल सभी के पास नहीं होंगे, सभी के पास अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों के पास होंगे, तो वो अपने अपने नोट्स रेफ़र कर सकते हैं. लेकिन जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं हैं वो सीएस मॉड्यूल को रेफ़र करें. इसलिए हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही डायरेक्टली पढ़ेंगे और समझेंगे. कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं उनको हाईलाइट करूँगी और आपको भी हाईलाइट करना है. कुछ चीज़ें आपको लिखने के लिए कहूँगी तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है अपने बुक में ही. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिटेल में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. क्या पढ़ा था हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. कंपनी क्या होती है, कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अब हम एक बार देख लेते हैं हमारे बुक में, हमारे मॉड्यूल में क्या लिखा है. ठीक है, देखो ये सब चीज़ आप सी कैटेगरी के मार्क करो, ये सब एग्जाम्स में आते नहीं है. ये आप खुद रीड कर सकते हो. ठीक है, हाँ देखो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें लिखा गया है कंपनी क्या होती है, कंपनी लॉ क्या होता है. तो हम वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. पहली बात है व्हाट इज अ कंपनी. कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स कम विच मीन्स विद एंड टुगेदर विथ या टुगेदर और पेनिंग्स इज ब्रेड. टुगेदर वी वर्क फॉर ब्रेड. इट ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक द मील्स टुगेदर. तो कंपनी का जो शाब्दिक जो वर्ड का मीनिंग है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. ठीक है, तो आप जैसे इस वर्ड से आपने ये भी समझा होगा कि कंपनी में भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ही होता है. कंपनी और कुछ नहीं होती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है जो कि कुछ काम करते हैं, कोई बिजनेस कैरी आउट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे जो उनको प्रॉफिट होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, वो अपने क्रेडिटर्स को देते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं डिविडेंड के रूप में. तो कंपनी और कुछ नहीं, कंपनी यही है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ उतना ही रीड करेंगे ये, क्योंकि हमारे बुक में बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है. हम वील स्टिक ट्रू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली एंड रेलेवेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो ये सब आप आगे बढ़ सकते हो. तो कंपनी क्या है? कंपनी अंडर लॉ इज कॉरपोरेट बॉडी, लीगल पर्सन. ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा. हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट. उन दे आर लीगल पर्सन जिनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, जिनके आइडेंटिटी अलग होते हैं फ्रॉम द पर्सन फॉर्मिंग इट. जो पर्सन उसे बनाते हैं और जो कंपनी होती है वो अलग होते हैं. ठीक है, आपको ये चीज़ें समझनी होगी. कंपनी अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो उसको बनाने वाले लोग हैं वो अलग होते हैं. आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंपनी की प्रॉपर्टी पे हक क्या इन्वेस्टर्स का होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका होता है? बिल्कुल नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी पे हक कंपनी का ही होता है. आगे बढ़ता है. इट इज़ कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट. क्यों बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है? क्योंकि द पर्सन कंपोजिंग इट आर मेड इन टू वन बॉडी बाई इनकॉर्पोरेटिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड क्लोदिंग इट विद लीगल पर्सनैलिटी. इसका समझो क्या लिखा है. ये लिखा है कि उसे हम देखो कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है. क्यों कहा जाता है ये हम देखते हैं. कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पर्सन्स एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो है उसे मिलकर बनाते हैं और लॉ की नज़रों में इस पर्सन का, इस एंटिटी का एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है. समझ आ रहा है आपको? वो डिस्टिंक्ट होते हैं, वो अलग होते हैं.
पता है ये चीज़ पे मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस पे बहुत सारे केस लॉज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाद में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट व्हील का, जो कि आपको समझने में ये ही पॉइंट्स हेल्प करेंगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉर्पस विच मीन्स बॉडी। इतना फिर आगे बढ़ते हैं। एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी ओज इट्स एग्जिस्टेंस ईदर टू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और टू कंपनी लॉ। देखो, जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं वो कोई ना कोई लॉ से गवर्न होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, उस पर कोई लॉ नहीं लगता। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट लगता है। कंपनीज पे क्या लगता है? कंपनीज एक्ट लगता है। एलएलपीज पे क्या लगता है? एलएलपी एक्ट लगता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को रूप में लाने के लिए अलग अलग एक्ट्स को बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, LIC, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग कंपनीज, तो उन सब के लिए अलग, जैसे SBI के लिए SBI एक्ट है, तो उन सबको गवर्न करने वाले उनके स्पेसिफिक, उनके रिलेवेंट एक्ट्स लगते हैं। इन द लीगल सेंस, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंट्री। आप सबको पता होगा, जो पार्ट हमने स्किप किया उसमें क्या लिखा था। अब कंपनी लॉ की बात करते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में। कंपनी लॉ, कितने सारे कंपनी लॉ के बारे में आपने सुना है? अभी कौन सा लॉ चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले क्या था? 1956, जो अराउंड 60 ईयर्स तक के लिए एग्जिस्टेंस में था, जब तक ये नहीं आया। ठीक है, तो वही बात की गई है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है। अच्छा, एक बात बताऊँ, जो कंपनीज अब इस एक्ट में बन रही है वो तो ठीक है, चलो अब ये एग्जिस्टिंग एक्ट है, लेकिन क्या जो कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड थी, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट कर सकती है? उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठ खड़ा होता, क्योंकि उनका जो लॉ था वो तो खत्म हो गया, उनकी जगह कंपनीज लॉ आ गया। बिल्कुल नहीं, कंपनी जो लॉ है, कंपनी जो एक्ट है, उसमें ये स्पेसिफिक एक डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। ध्यान रखो इसका, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनीज का डेफिनेशन है। कंपनीज का डेफिनेशन हमें क्या कहता है? कंपनीज का डेफिनेशन ये कहता है, कंपनी मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी, चाहे वो इस लॉ में बनी हो, मतलब इस लॉ का मतलब 2013, या फिर पुरानी लॉ में बनी, मतलब 1956। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। हाँ, देखो ये डेफिनेशन भी आपके सामने आ गया, आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर अदर प्रीवियस लॉ। और आप इसे रीड कैसे करते हो, इसको आप ध्यान देना। इसको हम सेक्शन सब सेक्शन नहीं कहते, इसे हम कहते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20। ओके, तो ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन आया कंपनीज एक्ट का, जो कि है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, जहाँ कहा गया है कंपनी क्या होती है। कंपनी इज कंपनी। आपको ऐसे डेफिनेशंस, बल्कि इससे भी हाई लेवल के डेफिनेशंस मिलेंगे कि पब्लिक क्या है जो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट क्या है जो पब्लिक नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक डेफिनेशन, कंपनी क्या है, एक कंपनी है। तो आगे क्या लिखा गया इसमें, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। आगे बढ़ते, ये सब चीज़ हमने देख ली, इज अ लीगल पर्सन, लीगल एंटिटी, सेपरेट फॉर्म। अब आता है हमारा, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, उसको अब हम बुक से रीड करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये आपका स्टडी मटेरियल है, तो आप एक काम करो, आप अपने स्टडी मटेरियल को अपने साथ रखो, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो। तो आगे बढ़ते हैं ना, सिंस और आप मेरे साथ साथ रीड करो, अपने दिमाग में, अपने मन में रीड करो। सिंस अ कॉर्पोरेट बॉडी दैट इज अ कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ ने बनाया है वो, कोई नेचुरली तो बॉर्न नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न, एनिमल्स आर बॉर्न, वैसे ही कंपनी बॉर्न नहीं होती, उसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? लॉ से। इसलिए उसे क्या कहते हैं? लीगल पर्सन। इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग, ये तो ऑब्वियस ही बात है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब जो कि जिसे लॉ ने बनाया है। एंड इट इज क्लोथ
विथ मैनी राइट्स ऑब्लिगेशंस पावर्स एंड ड्यूटीज़। देखो बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे एक हमने सबसे बेसिक चीज़ क्या पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि ये जो कंपनी, जस्ट अ सेकेंड, कंपनीज की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एसेट्स होते हैं, क्या उन पे हक उनके इन्वेस्टर्स का होता है? बिल्कुल नहीं। कंपनी की प्रॉपर्टी पे हक किसका होता है? उनके जो कंपनी इट्सेल्फ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इट्सेल्फ, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स। दूसरी बात, और एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था जिसमें था क्या कि क्या कंपनी के साथ अगर कोई फ्रॉड थर्ड पर्सन करता है तो क्या उसे सू कर सकती है, मतलब केस सूट फाइल कर सकती है? तो बिल्कुल हाँ। क्या कंपनी पे फाइल किया जा सकता है कंपनी के अगेंस्ट? बिल्कुल हाँ। तो ये सब पर्सन, जैसे कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को राइट्स मिले हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी को भी कुछ राइट्स मिले। क्योंकि अगर आप ये सोचो, अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है, अगर और वो सूट फाइल नहीं कर सकती, तो सूट फाइल कौन करेगा? मेन क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, क्या एमडी करेगा? क्योंकि एमडी भी ये तो है नहीं कि भाई एमडी है तो यही रहेगा, यही मिस्टर एक्स वाई जेड ही एमडी रहेंगे फॉर द इंटायर लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, उसके साथ ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे CSR कंपनी की एक ड्यूटी होती है कि भाई जितना आप समाज से, जितना आप सोसाइटी से ले रहे हो, उतना आप कुछ हद तक उसे पे बैक भी करो। वो सब हम पढ़ेंगे, वो सब हमारे सिलेबस में है और वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम ये देखते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। आप सबने लास्ट लेक्चर तो ध्यान से देखा होगा, उसमें हमने ये चीज़ें समझ रखी है। तो बस वील जस्ट गो थ्रू द वर्ड्स दैट आर गिवन इन आर मॉड्यूल, ताकि कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ते पढ़ते। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्वेश्चन बहुत आता है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस वंस, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, आपको पता है ये चीज़ होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता एग्जाम में। और आप उस क्वेश्चन जब सजेस्टेड आंसर्स आते हैं तो आपको लगता है ये आंसर तो हमें पता ही था, लेकिन आप एग्जाम में फिर भी नहीं लिख पाते हो। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको आज से एक प्रैक्टिस लगानी होगी, आज से या जब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद से क्वेश्चंस देखकर आपको उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट इज वेस्टेड विद अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, सो इट बेयर्स इट्स ओन नेम, उनका अपना नाम होता है और वो उसी नाम के अंदर ही अपना काम करता है। उनका एक सील होता है, कॉमन सील जिसे आप कहते हैं, ऑफ इट्स ओन एसेट्स होते हैं अलग, और वो उनके जो मेंबर्स हैं, जो जिन्होंने भी उसे बनाया है, उससे अलग होते हैं। क्लियर? इट इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट, therefore it is capable of owning property, incurring debts, borrowing money, having a bank account, employing people, entering into contracts, suing and being sued in the same manner as an individual. Its shareholders are its notional owners and they do not own anything in it except the ownership of shares issued. ये एक बहुत ही important characteristic है कि देखो, जब हमारी लाइबिलिटी अगर 10 रुपये तक है तो हमारा हक भी तो कंपनी में सिर्फ 10 रुपये तक ही है, और जितना पैसा आप लगाते हो उसके लिए आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। आप इसकी टैक्सेशन और बहुत सारे अकाउंटिंग आप बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, टैक्स में पढ़ोगे, अकाउंट्स में पढ़ोगे, लेकिन हम यहाँ क्या डिस्कस करें? कॉन्सेप्ट्स देखते हैं आगे। एंड दे कैन बी इट्स क्रेडिटर्स साइमल्टेनियसली, जो मेंबर है। अच्छा एक बात बताओ, एक वही किराने वाली शॉप का एग्जांपल हम लेते हैं। उसमें क्या था कि मिस्टर एक्स थे ओनर, और मिस्टर एक्स जो ओनर थे, क्या वो खुद से उधार ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आपने एक पॉकेट से उधार लेके दूसरे पॉकेट में रख दिया, क्या आप खुद से उधार ले सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो वह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी वो अलग है
और जो मेंबर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ वो नॉर्मल बिजनेस करके वो उनको लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। क्या मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी रिलायंस है? बिल्कुल नहीं। रिलायंस इज़ अ सेपरेट एंटिटी एंड इट्स ओनर्स, इट्स डायरेक्टर्स, इट्स मैनेजमेंट आर सेपरेट। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। और आप इसे हाईलाइट कर लो, ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लिखोगे तो बहुत स्कोरिंग होंगे। लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी इवन इफ अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी इवन इफ ही वर्चुअली होल्ड्स द एंटायर शेयर कैपिटल। इस पे एक केस लॉ है जो हम पढ़ेंगे, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। वो बहुत ही चर्चित केस लॉ है, बहुत हर लेवल पे ये केस पढ़ा जाता है, हर कोर्स में पढ़ा जाता है, CAO, CSO, CMO, सभी बच्चे इस कोर्स में कंपनी लॉ जब स्टार्ट करते हैं तो ये केस लॉ हमेशा पढ़ते हैं, वो हम भी पढ़ेंगे, तो ये पॉइंट आपको उस समय समझ आएगी। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी एंड दे सो दे के नॉट बाइंड बाय देयर एक्ट्स। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक शॉप है, एक शोरूम है, ठीक है, हमारी कार की शोरूम है जिसमें हम क्या डील करते हैं, टोयोटा ब्रांड के कार से। तो उसके जो आपके एक सेल्समैन है वो जाके अगर डिफेक्टिव कार्स वापस करके आता है, मतलब किसी कस्टमर ने आपको दी थी कार कि आप उसे रिपेयर करवा के, आप उसे मेंटेन करवा के, जो भी चीज़ें ख़राब है आप उसे ठीक करवा के मुझे वापस कर देना और जो भी पैसे होते हैं आप उसे ले लेना। तो उनसे क्या हुआ कि उनके जो जो पर्सन्स हैं, जो उनके जो वहाँ काम करते हैं जो लोग, उन्होंने क्या किया, उनसे क्या होंगे गलती, उन्होंने इस कार की जगह उस कार को जो अभी तक रिपेयर भी नहीं हुई थी उसे वापस कराए और बिल उस कार वाला जो ठीक हो चुकी थी उसका बिल उनके पास दे दिया। अच्छा, आप बताओ कि वो पर्सन जिसके साथ ये किस्सा हुआ, क्या वो उस एजेंट, उस जो पर्सन ने उसे कार जाके डिलीवर की, क्या वो उससे कहेगा या फिर ओनर से कहेगा, जो उस प्लेस का कि मैनेजिंग हेड है, जो भी उस चीज़ जो उस जगह को मैनेज कर रहे हैं, जो भी उस शोरूम को मैनेज कर रहे हैं, जो भी उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले जो उनका डिपार्टमेंट है उसे हैंडल कर रहा है। दी आंसर इज़ कि वो सीधे जाके उनके हेड को कहेगा, वो सेल्समैन को नहीं कहेगा। तो इससे आप क्या समझे कि गलती किसकी थी, उस पर्सन की, लेकिन भुगतना किसको पड़ा, सुनना किसको पड़ा, उस पर्सन उस डिपार्टमेंट के हेड से, उस शोरूम के उस रिस्पेक्टिव विंग के हेड से। तो इससे आपको क्या समझ आया पॉइंट कि जब भी कोई अगर पर्सन, जैसे पार्टनरशिप फर्म में, उसमें अगर एक पार्टनर गलती करता है तो उसका हर जाना दूसरे पार्टनर को भी भुगतना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर, सिंस आप एक सेपरेट लीगल पर्सन हो, आप अलग हो, यू आर नो इवन इफ यू आर द शेयर होल्डर, चाहे आप मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन कंपनी अलग होती है, मालिक अलग होते हैं। तो कंपनी जो मालिक है उनके कोई भी एक्ट से, कोई भी काम करने से क्या कंपनी को लायबल हम ठहरा सकते हैं, क्या हम उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। ये आपको एक और अच्छा पॉइंट मिल गया। द कंपनी डज नॉट होल्ड इट्स प्रॉपर्टी एज द एजेंट और ट्रस्टी फॉर इट्स मेंबर्स। आपको याद होगा ट्रस्ट जब होता है, आपने बहुत सारे सुने होंगे कि ये मंदिर ट्रस्ट, ठीक है, जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उसमें क्या हुआ कि वो एक ट्रस्ट सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी जो भी पैसे आते हैं, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, जो भी डोनेशंस होते हैं वो उनके पास आते हैं, वो उनको उन पैसों को अच्छी तरीके से रखते हैं, सेफ रखते हैं, और कहाँ यूज़ करते हैं, उस मंदिर के निर्माण में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर है। और लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में है उनके कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा वो अपने डिस्क्रिशन पे जैसे उनको ठीक लगेगा वैसे यूज़ करेगा। इन्वेस्टर या मेंबर नहीं कह सकता कि आप ऐसे यूज़ करो,
भले उनको राइट्स दिए गए हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है, नेग्लिजेंस हो रहा है, तो आप उसे कह सकते हो, मैनेजमेंट को कन्वे कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो हमने पैसा दिया है, जो भी डोनेशंस दिए, जो भी इन्वेस्ट किया है, वो आप ऐसे यूज़ करो या फिर वो आप मेरे बेनिफिट के लिए यूज़ करो, आप ऐसे नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। एंड दे के नॉट सू टू इन्फोर्स इट्स राइट, नॉर दे कैन बी सूड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। दस इनकॉर्पोरेशन इज एन एक्ट ऑफ फॉर्मिंग लीगल कॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन आप सीखोगे भी बाकी सब्जेक्ट्स में, और जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीखोगे, उसमें जो वेरियस फॉर्म्स लगते हैं, कैसे होता है, लीगल कंप्लाइंसेस क्या है, ROC के पास कैसे जाता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे पढ़ोगे नहीं, उतना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे, खुद करोगे आप। अ ज्यूरिस्टिक पर्सन इन लॉ ऑल्सो कंफर्ट विद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड इज डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। In other words, the entity acts like a natural person, but only through designated person whose acts are processed within the ambit of law. इसमें एक केस लॉ दिया गया है जो कि इतना ज़रूरी नहीं है, उसमें है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेज श्री रामनाथ सॉरी श्री सेकेंड सामनाथ दास। देखो जो सारे केस लॉज आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आप CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तो आप उतने अपने आप को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सभी चीज़ें याद करनी होंगी। जो चीज़ें ज़रूरी है हमें सिर्फ उतना ही याद करना, और मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि कंपनी, देखो कंपनी के खुद तो हाथ पैर नहीं है, वो एक्ट तो ऑब्वियसली उनके मैनेजमेंट ही करते हैं, उनके MD करते हैं, उनके एम्प्लॉयज करते हैं, लेकिन कंपनी का वजूद अलग होता है। ठीक है, हाँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस केस लॉ, जिसे हम कहते हैं सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसे प्यार से कहते हैं सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस। इसमें क्या हुआ था देखते हैं, काफी लंबा है। इस केस में आखिर हुआ क्या था, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम रीड कर लेंगे। इस केस में क्या हुआ था कि सैलोमन एक इंडिविजुअल था जिनकी बहुत एक प्रॉस्परस बिजनेस थी, बहुत अच्छी चल रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक कंपनी बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम इंटरनल मतलब एक बड़े लेवल पर इस बिजनेस को करेंगे। क्योंकि हम जानते हो कि अगर आपको अपना काम का दायरा, आपके बिजनेस को बढ़ाना है, आपके बिजनेस को और सक्सेसफुल एंड रेप्यूटेड करना है, उसके नाम को आपको फेमस करना है, तो आप कंपनी फॉर्म में बेस्ट सूटेड होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें था कि उनका बिजनेस था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कंपनी बना लेते। कंपनी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो शेयर कैपिटल थे, आप आई होप आप समझ रहे होंगे शेयर कैपिटल क्या होता है। उन्होंने क्या किया कि शेयर कैपिटल को उन्होंने सोचा कि उन्होंने क्या किया कि 99.9% शेयर्स खुद के पास रख लिए, और बाकी 1% फॉर द नेम से उन अपने वाइफ और अपने चिल्ड्रन के नाम कर दिए, अपने बच्चों के नाम कर दिए। तो अब आपको देखने से क्या लग रहा है कि वर्चुअली मतलब एक आप ऊपर ऊपर से देखो तो ओनर तो असली ओनर तो सैलोमन ही है, ऑन पेपर तो बस एक एक शेयर बस फॉर द नेम सेक है, लेकिन असली ओनर तो सैलोमन है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ डिफिकल्टीज कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसको लिक्विडेट कर देते, मतलब ख़त्म कर देते हैं बिजनेस को। तो उसे टर्म क्या कहते हैं, लिक्विडेशन। तो उसे हम लिक्विडेट करके ख़त्म कर देते हैं। तो आगे क्या हुआ कि फिर उन्होंने लोन लेकर रखा था। लोन होता है डिबेंचर्स, एक तरह का लोन ही होता है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझो, उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको ये चीज़ समझनी होगी, फाउंडेशन पर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन जो आपको रीपे करना होता है कुछ समय के बाद। तो क्या हुआ कि जब वो लिक्विडेट हो रहे थे तो ज़्यादा पैसे तो है नहीं, बचे हैं कुछ पैसे,
अब कुछ पैसों में पहली प्रायोरिटी होती है जो बाहर के पैसे, थर्ड पार्टी का जो भी पैसा लगाया है, मतलब थर्ड पार्टी एज इन कि जो भी डेट्स है, जो भी लोन है, उनको हमें पहले रिपे करना होता है। तो जो बाकी जो शेयर क्रेडिटर्स थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर हम देखा जाए तो सैलोमिन तो खुद ही ओनर है, और जो पैसे बचे हैं उनके पास, वो खुद ही अपने आप को रीपे करके बोलेंगे कि भाई अब तो पैसे खत्म हो गए, अब आपका नुकसान हो गया, जो था खत्म हो गया। तो क्या ये सही है, या फिर उससे पहले थर्ड पार्टी एज इन की जो क्रेडिटर्स हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, जो भी थे, क्या उससे पहले रीपे करना चाहिए था? और खुद का भले पैसा पर ये आप सबसे समझ जाओगे कि जैसे अपने बाहर कहीं आप किसी के फंक्शन पार्टी में जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप खूब खाते हो, लेकिन जब घर की एक फंक्शन होता है, गैदरिंग होता है, उसमें क्या करते हो, पहले सभी को पूछ करते हो, उसके बाद खाते हो। क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग होती है कि पैसा कहीं खाना कम ना पड़ जाए बाकियों के। तो वही चीज़ को आप सोचो और इसे रिलेट करो कि क्या उसे ये नहीं करना चाहिए था कि पहले बाहर वालों को दे के फिर अपने जो भी पैसे बचे हैं उसे यूज़ करता। तो इसमें ये केस गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या कहा, जो हमारे जजेस हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो सलमान ने किया है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। चाहे वर्चुअली ऐसे देखने पे आपको लग रहा होगा कि यही पर्सन तो सभी शेयर्स होल्ड करते, मालिक तो सिर्फ यही है, बिल्कुल नहीं। उस चीज़ को हम नकार देते हैं सिरे से और इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या एक बार रीड करके देख लेते हैं। द केस ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये केस का बहुत अच्छा है। The above case has clearly established the principle that once a company has been validly constituted, ये चीज़ important है, validly constituted under the Companies Act, it becomes a legal person distinct from its members, and for this purpose it is immaterial whether any member holds a large or small proportion of shares, and whether he holds those shares as beneficially or as a mere trustee. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने सही ढंग से कंपनी को बनाया है, मतलब कोई भी कंप्लाइंसेस या किसी चीज़ में फ्रॉड ड्यूलेंट कोई भी चीज़ें नहीं थी, तो अब आपका और कंपनी का वजूद अलग होता है, मतलब पर्सन फॉर्मिंग इट एंड द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इन दिस केस सैलोमन हैड फॉर सम ईयर्स कैरीड ऑन प्रॉस्पेरस बिजनेस एज लेदर मर्चेंट एंड बूट मैन्युफैक्चरर। ही फॉर्म्ड अ लिमिटेड कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड हिज फोर सन्स एज द शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ हुम सब्सक्राइब टू ईच वन शेयर ईच। बाकी सबको एक एक दे दिया और खुद वर्चुअली सभी, मतलब कह सकते हैं 99% शेयर का मालिक खुद हो गया। सो दैट द एक्चुअल कैश पेड एज कैपिटल वॉज 9 pounds. Solomon sold his business, which was perfectly solvent at the time, to the company formed by him for the purpose of pounds. ये amounts उतने relevant नहीं है, मतलब उनका जो business चल रहा था, जो single sole proprietorship था, उन्होंने company में transfer कर दिया। तो वही चीज़ कहा गया यहाँ पे कि उन्होंने sell off कर दिया company को। अब company क्या है, company भी उन्होंने ही बनाई है, लेकिन जो उनका बिजनेस था उस समय और जो कंपनी है वो अलग है, इसलिए उनको सेल ऑफ कर दिया गया कंपनी को। जो सोल प्रोप्राइटर है और जो कंपनी है उसको सेल ऑफ कर दिया गया। उसके बाद आगे जो कंपनी थी उन्होंने उनका बिजनेस आगे संभाला। द कंपनी इज नॉमिनल कैपिटल वॉज 40,000, एक पाउंड के शेयर्स में डिवाइड किया गया। इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी फॉर द बिजनेस सोल्ड टू द कंपनी डिबेंचर्स और द अमाउंट ऑफ पाउंड 10,000
secured by floating charge on the company's asset was issued to Solomon. Solomon ने क्या किया कि उसकी कंपनी को थी पैसों की ज़रूरत, तो और वो इन्वेस्ट कैसे करे कंपनी में, कैसे पैसे डाले, तो उन्होंने क्या किया कि एक डिबेंचर, एक सिक्योरिटी बनाई और खुद को इशू करवा ली और पैसे कंपनी को दे दिए. हु ऑल्सो अप्लाइड फॉर एंड रिसीव्ड एन अलॉटमेंट, ठीक है, उन्होंने शेयर्स भी अलॉट करवाए खुद को पैसे देकर. द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड टू सेलमन इन कैश, जो भी उनका जो उनका परचेज कंसिड्रेशन था, मतलब जितने पैसे में उन्होंने जो बिजनेस ली थी, जो ये बिजनेस था, उन्होंने जो जितने पैसे मिली थी उसके जो भी परचेज कंसिड्रेशन था उसे सेटल कर दिया. सेलमन वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड टू ऑफ हिज अदर सन्स वर द डायरेक्टर्स, वो अदर डायरेक्टर्स. तो आपको देखो इतनी बात पढ़ के समझ तो आ गया होगा कि जो भी करता धरता इस कंपनी का है वो है सेलमन ही, बाकी कोई भी पर्सन इतनी इन्वॉल्व नहीं है, इतनी लाइव इतने क्या कहें मैनेज नहीं करते जितनी हद तक, जितनी ध्यान से और जितनी जितना काम सलमान करता है. आगे बढ़ते हैं. द कंपनी सून रन इनटू डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स शुरू हो गए एंड डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड अ रिसीवर एंड द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू 6,050. इट्स लायबिलिटी 10,000, सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स 8,000, owing to unsecured trade creditors who claimed that the whole of the company's asset, 6,050, on the ground that the company was a mere allies of agent for Solomon and they were entitled to payment of their debts in priority of debentures. They further pleaded that Solomon, as a principal beneficiary, was ultimately responsible for the debts incurred by his agent or trustee on his behalf. इसमें क्या कहा गया? देखो जो भी डेट था, डेट होल्डर्स थे, जिन्होंने भी डेट दिया था कंपनी को, उन्होंने बोला कोर्ट में जाके कि सर, जज साहब आप ये देखो कि बस नाम का ही एक कंपनी बना दी गई है, क्योंकि सभी शेयर्स वही होल्ड करते हैं, सभी चीज़ मैनेज सेलमन करते हैं, तो हमारा हक पहले बनता है एज डिबेंचर, एज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. क्योंकि देखो एक प्रायोरिटी होता है जब भी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, जब कंपनी बिकने जाती है तो एक तरीका होता है जब डेट्स सेटल करते हैं, तो पहले आता है लोन बाहर का, उसके बाद आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद आते हैं शेयर होल्डर्स. तो सिंस सोलोमन वॉज ऑल्सो द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, सो ही वॉज इंटाइटल्ड कि भाई पहले मेरे को पैसा मिलना चाहिए. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने इस पे सवाल उठाया कि नहीं, ये गलत है, पहले पैसे हमें मिलने चाहिए और फिर जो हमारे से पैसे बच गए अगर बाय चांस तो सेलमन को मिलना चाहिए. लेकिन कंपनी, तो जजमेंट क्या है ये सुनो. द कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइसली द सेम एज बिफोर, द सेम पर्सन एंड मैनेजर्स एंड द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट्स, द कंपनी इज नॉट, ये चीज ध्यान देने वाले, इन लॉ देयर एजेंट और ट्रस्टी द स्टैट्यूट इनएक्ट्स नथिंग एज टू द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ इंटरेस्ट विच मे बी हेल्प बाई ईच ऑफ द सेवन और हैज़ टू द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस प्रोसेस्ड बाई वन और मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ओवर अदर्स. देर इज नथिंग इन द एक्ट रिक्वायरिंग दैट सब्सक्राइबर्स ऑफ ऑल टू द मेमोरेंडम शुड बी इंडिपेंडेंट और अनकनेक्टेड और दैट दे आर दे और एनी ऑफ देम शुड बी शुड टेक अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द अंडरटेकिंग और दैट दे शुड हैव अ माइंड और विल ऑफ देयर ओन और दैट दे शुड बी एनीथिंग लाइक बैलेंस ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है. इसमें ये कहा गया, आपको शायद बहुत ज़्यादा इसमें मार्किंग्स हो गए तो दिख नहीं रहा, तो इसमें ये चीज़ साफ साफ कही गई, चाहे एक पर्सन ही क्यों ना होल्ड कर रहा हो. ठीक, द
सिर्फ अगर एक पर्सन भी होल्ड कर रहा है या फिर एक पर्सन ही उसे मैनेज कर रहा है या फिर करता धरता जिसे कहते हैं, सिर्फ एक पर्सन जैसे इस केस में था सोलोमन, तो सिर्फ अगर सोलोमन भी मैनेज कर रहा है, उसने खुद को एडवेंचर्स दे चुके, उन्होंने खुद अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक, कब तक? जब तक कंपनी प्रॉपरली बनाई गई हो, वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड हो, लॉ का ध्यान रख के, लॉ के कंप्लाइंसेस को पूरी तरीके से कंप्लाई करके, जब तक अगर वो उन्होंने ऐसा काम किया है, तभी वो कंपनी अलग मानी जाती है। और उस केस में जो भी सॉलोमन या जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ओनर्स हैं, जो भी, वो अलग पर्सन माना जाएगा और कंपनी अलग। उस केस में जो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स जो एक्ट में लिखा जाता है, उस केस में ही चाहे वो डिबेंचर होल्डर क्यों ना, वही एक सिंगल पर्सन क्यों ना होल्ड करा, फिर भी वो पर्सन को ही फर्स्ट पेमेंट होगी, ना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर ये एक और केस लो, ये आप खुद पढ़ लेना, ये सेम ही है। ये कुछ 5 to 6 केस लॉज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ें समझनी होगी। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, 35-36 मिनट्स के ड्यूरेशन हो चुकी है, हम इसे करेंगे हम कवर लेक्चर नंबर 3 में। आप लोग स्टे ट्यून रहना और जो बेल आइकन ऑन करके रखना, तब आपको जब भी लेक्चर्स अपलोड होंगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।